यार, अब तो मुझे कपड़े ही बदलने पड़ेंगे। क्या हो गया? हो रहा खाना वाना? नहीं नहीं मम्मा, मुझे नोजी आ रही है। नोजी आ रही है? ठीक है। हाँ जी। हाय राम, दिन भर काम करते करते मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर शाम को वही काम, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, यही करती रहूंगी मैं तो। कैसे नहीं देगा मेरे पैसे? हाँ कैसे नहीं देगा? मम्मी तू तो गया कुत्ते, आज तुम मेरे पैसे दे। हे भगवान, दिन भर काम निपटाओ, फुर्सत मिले तो बैठ कर इन दोनों के झगड़े सुलटाओ। तुम दोनों गए आज, रुको मैं आ रही हूँ। क्या हो रहा है? ये घर है, ये कुरुक्षेत्र का मैदान। जब देखो मारना शुरू कर देते हो तुम दोनों। गर्दन छोड़, छोड़ गर्दन। मम्मी देखो ना, इस कुत्ते ने मेरे पैसे चुरा लिए और जब पकड़ा गया तो दे नहीं रहा है। क्या मिक्की, चोरी? अरे नहीं मम्मी, दीदी आपको कुछ भी पट्टी पढ़ा रही है, ये 100 रुपए मेरे हैं। नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है, इसने ये 100 रुपए मेरे पिल्लो के नीचे से चुराए हैं। हाँ तो मम्मी, ये का लिखा है कि अगर पिल्लो इनका है तो पिल्लो के नीचे की सारी चीजें इन्हीं की होंगी। बात तो सही है। हाँ तो मेरी है मम्मी, इसकी बात मत सुनो आप। और कुत्ते मैं भी देखती हूँ, तू मेरे पैसे देगा कैसे? नहीं हा? अरे ऐसे कैसे दे दूंगा, खून पसीने की कमाई है मेरी। अच्छा, बड़ा खून पसीने की कमाई है, जरा बताइए कहाँ से गधा मजदूरी करके ले आया था ये पैसे? वो मम्मी वो, अरे क्या वो कर रहे, बताना सच बताना मम्मी को, कहाँ से चुराएंगे पैसे? मैं नहीं दे रहा पैसे, वैसे मेरे हैं ये, मैं नहीं जानता। बड़े तेरे हैं, तू दे मेरे पैसे दे। नहीं दूंगा। तू दे मेरे पैसे दे। मैं बड़ी मेहनत से कमाई है, तू दे मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। चुप। तुम दोनों बिल्कुल चुप। ऐसा कर, ये नोट मुझे दे। चल। नहीं मम्मी रहने दो ना। चुप। देता कि नहीं? लाओ मम्मी, अब मेरे पैसे मुझे दे दो। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कितना भी चुरा ले पर मेरे पैसे घूम फिर के मेरे पास ही आएंगे। तू भी ना चुप हो जा। तेरे पैसे कहाँ से हुए? तेरे पिल्लो के नीचे ना मैंने रखे थे। बढ़िया ही तेरे पैसे हैं, और तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो फिर भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो। और सिर्फ वो तू तो इससे इतनी ज्यादा बड़ी है, कुछ सालों में तेरी शादी हो जाएगी, कैसे संभालेगी अपना घर? बस मम्मी बस, रहने दो अब, आपसे तो बहुत अच्छे से संभाल लूंगी मैं। हाँ मम्मी देखो क्या कह दिया। अरे आप पैसे दो मेरे। मुझसे अच्छे से संभालेगी तू? हैं अभी बताती हूँ तुझे। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मम्मी लग रही है, मम्मी मम्मी लग रही है, हाय मम्मी लग रही है, मम्मी हाय मम्मी। आजी दिखा।
छोड़ दे इसे, छोड़ दे, तू छोड़, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, छोड़, छोड़, तू छोड़, तू छोड़, तू छोड़। स्टोरी से प्रिंसिपल का क्या कनेक्शन है? प्रिंसिपल साहब आत्माराम जी के पुराने दोस्त हैं। मैं उन्हें पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ, सोचा सब दोस्त मिलेंगे तो अच्छा लगेगा उन्हें। ये प्रिंसिपल है ना, बहुत डिप्रेसिंग आदमी है, 3 times सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अरे कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई, शेट यार अब फिर से लानी पड़ेगी। एक मिनट, जब अपनी मम्मी जिंदा बात तो मैं अपने हाथ पाँव क्यों चलाऊं? मम्मी, मम्मी, अब क्या है? सुबह शाम इस घर में बस मम्मी मम्मी के सायरन सुनाई पड़ते हैं। यार मम्मी फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल के दे दो ना, मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई है और आपको तो पता ही है मैं मूवी देख रही हूँ, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती, अगर मैं हिले ना तो मेरी मूवी मिस हो जाएगी और कोल्ड ड्रिंक के बिना तो पॉपकॉर्न में क्या ही मजा आएगा, दे दो ना प्लीज। ले पकड़, तुझे यहाँ कोल्ड ड्रिंक खत्म होने की पड़ी है और ये मूवी देख देख के जो तेरा करियर खत्म हो रहा है उसकी कब पड़ेगी तुझे? यार मम्मी फिर से पर्वतन स्टार्ट मत करना प्लीज, मूवी देखने से पहले आप ना मेरी फिल्म मत बनाओ, बाद में जी भर के सुना लेना। ओके टाटा बाय। हाँ हाँ मेरी बातें तो तुझे प्रवचन ही लगेंगी ना, मम्मी है बस बोलती रहती है, बोलने दो उनको। अच्छा ठीक है, तू अभी आराम से मूवी देख, बाद में अगर तेरे मार्क्स गंदे आए ना फिर मैं देखूंगी तुझे ढंग से। अरे बहू मेरी चाय कब तक आ रही है? जी मम्मी जी अभी लाई। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। बहू शुगर तो कम डाली है ना, तुझे मालूम है मैं डायबिटिक हूँ। सॉरी सॉरी मम्मी जी, वो काम काम के चक्कर में ना ध्यान से निकल गई, पर कोई नहीं मैं आपके लिए दूसरी चाय बना के लाती हूँ विदाउट शुगर वाली। सिब्बू, सिब्बू मेरी कॉफी कहाँ है यार, मुझे लेट हो रहा है, मुझे निकलना भी है। हाँ बस अभी लेकर आ रही हूँ। हे भगवान, पहले मैं चाय बनाऊँ या पहले इनके लिए कॉफी बनाऊँ? ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। यार कभी तो टाइम पे लाया करो, हमेशा लेट करवाती हूँ मुझे। अब 10 हाथ पैर तो है नहीं मेरे, खुशी मनाओ कम से कम, तुम्हें कॉफी तो मिल रही है। चिड़िया और तोता और चील और मम्मी मेरा बोर्नवीटा वाला दूध कहाँ है? हाँ बेटा अभी ले आई। ये लो बेटा तुम्हारा गरम गरम बॉर्नविटा वाला दूध, जल्दी जल्दी फिनिश कर लो फिर स्कूल जाना है ना।
बात ये तो ठंडा है, मैंने आपको गरम देने को बोला था। ओह शिट, अरे बेटा मैं भूल गई, रुको मैं अभी ना गरम करके लाती हूँ। और गेम खेलते हैं। मुझे तो यही वाला गेम खेलना है, मेरे को ये बोरिंग है। ये लो बेटा तुम्हारा गर्मा गर्म दूध, चलो जल्दी से फिनिश करो। मम्मा आप मेरे लिए गर्म क्यों लाए, मुझे ठंडा चाहिए था। अरे ठंडा चाहिए था तो पहले बोलना था ना, पहले गर्म करवा दिया, बोल रही है ठंडा चाहिए, एक बोल रहे गर्म चाहिए एक बोल रहे ठंडा चाहिए, नाक में दम करके रखा हुआ है। अरे मैं नहीं ला रही हूँ गर्म करके, जैसा दिया है वैसा पियो और चुपचाप स्कूल जाओ। देखो बेटा रोते नहीं है ना, अभी स्कूल जा रहे हो ना, स्कूल जाते टाइम नहीं रोते हैं, जल्दी से पी लो। हाँ ठीक है, फिर मेरे लिए ठंडा दूध लाओ, तब नहीं रोऊंगी मैं। ठीक है मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए ठंडा दूध। सिबू, सिबू मेरी सॉक्स नहीं मिल रही यार, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ। रखी कहाँ है, आकर दे दो ना प्लीज, मुझे नहीं मिल रही है। यार यार लो, यही तो रखी हुई थी। तुम लोगों को भी ना सारी चीज बस हाथ में चाहिए होती है, पकड़ो। अरे भाई ला तो रही हूँ, जरा भी सब्र नहीं है तुम लोगों को, हर चीज हाथ में चाहिए होती है और जब देखो मम्मी मम्मी का सायरन बजाते रहते हो। रुक जाओ ला रही हूँ। अच्छा मेरा लंच बॉक्स रेडी है? हाँ 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 बस अभी लेकर आई। क्या बात है सिब्बू गिरी, ये बताने का कष्ट करोगी कहाँ उड़ने की तैयारी हो रही है। अरे मम्मी मैं और मेरी फ्रेंड्स ना नैनीताल जा रहे हैं, वो भी 3 दिन 2 रातों के लिए। वहीं पे एडवेंचर करूंगी, मेमोरीज कैप्चर करूंगी और तो और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पार्ट 2 बनाएंगे। बेटा उसका पार्ट 2 बनाए या ना बनाए, लेकिन अगर तेरे पापा को पता चल गया ना तो तेरे कान के नीचे 2 जरूर लगाएंगे, समझी। अरे मम्मी कितना खौफ खाते हो आप, खाना थोड़ा कम खाते हो क्या? अरे आप उसकी टेंशन मत लो, मैंने ना पापा से पहले से ही परमिशन ले ली है। हैं? पापा ने परमिशन दे दी? और क्या मम्मी, पापा को कैसे टोपी पहनानी है मेरे को अच्छे से मालूम है। सही है बेटा, वैसे भी तेरे पैर घर पे कहाँ टिकते हैं, जा। यार मम्मी बस करो, ऐसे मत बोलो आप, साल में एक बार तो जाके कहीं मुश्किल से परमिशन मिलती है कहीं घूमने की। अरे बेटा साल में एक बार मिलती है, पर मिलती तो है ना परमिशन, मेरे बारे में सोच, कितने साल हो गए कहीं गए हुए, यहाँ तक कि नानी के यहाँ गए हुए भी कितने साल हो गए, पिछली रक्षाबंधन पे भी नहीं जा पाई थी मैं तो। अरे मम्मी कुछ भी बोलते हो आप, अरे आपको क्या जरूरत है किसी से परमिशन लेने की, आपका जब मन करे तभी आप जा सकते हो नानी के यहाँ पे। बेटा ये बात तू अभी नहीं समझेगी, तेरी शादी के बाद समझेगी। यार ये मम्मी भी ना पता नहीं कब क्या कुछ भी बोलती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, इनको क्या जरूरत है किसी से परमिशन लेने की। चलो यार मेरी तो हो गई पैकिंग। मम्मी जी मुझे ना मेरे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, अगर आप कहो तो मैं 2 दिन के लिए चली जाऊँ घर पे। अरे घर की याद आ रही तो जाने की क्या ज़रूरत है, फ़ोन है ना, फ़ोन पे बात कर ले मम्मी से। नहीं मम्मी जी आप ना समझ नहीं रहे हो, मुझे ना मेरे घर पे गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैं मम्मी से भी नहीं मिली, इस बहाने मिल भी लूँगी। तो मुझे क्यों पूछ रही है, तेरे पति अंदर बैठा है ना, उसको जाके पूछ, वो कहता तो चल जाइयो, मुझे क्या। अच्छा ठीक है। सुनो वो 2 दिन के लिए ना मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, अगर आपको हो तो मैं चली जाऊँ। तो मुझसे क्या पूछ रही है, मम्मी बाहर बैठी, मम्मी से जाके पूछ, अगर वो कहती है तो फिर चली जाइयो।
ठीक है। मम्मी जी, उन्होंने बोला है कि आपसे आकर पूछूं, अगर आप कहें तो मैं जा सकती हूँ। अच्छा, उसने मुझसे पूछने के लिए कहा है? तो फिर कोई जरूरत नहीं है जाने की। पर क्यों मम्मी? भाई देख, सुबह सुबह मेरी चाय कौन बना के पिलाएगा मुझे? ये तेरे दोनों बच्चे हैं ना, इनको तैयार करके स्कूल भेजना, इनका खाना बनाना, तेरे पति को ऑफिस भेजना, उसका खाना बना के उसको देना, इनको बिठा के खाना खिलाना हाथ से, इतने दुनिया भर के काम है, और ये सारे काम तू ही तो करेगी ना, मैं थोड़ी करूंगी इस उम्र में। हाँ, कहीं मत जाना। हाँ हाँ मम्मा, अगर आप कहीं गए ना तो हम भी आपके साथ ही चलेंगे। देखा, बच्चे भी कह रहे हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी आप भी सही बोला करते थे, शादी के बाद ही मुझे समझ में आएगा आपका दुख और दर्द। मम्मी, ओ मम्मी! अरे बेटा क्या हुआ, आते शुरू हो गई? यार मम्मी, आपको कुछ होशो हवास भी है या नहीं है? आपकी बेटी यहाँ सुबह से भूखी बैठी है। यार मम्मी, कुछ खाने को दे दो ना प्लीज। बेटा अभी तो खाना बन ही नहीं पाया, अब 30-40 मिनट लगेंगे। क्या? अरे मम्मी, मैं यहाँ स्कूल से आई हूँ, सुबह से भूखी हूँ और आपने अभी तक खाना ही नहीं बनाया। मम्मी आप सारे दिन घर पे ही तो थे, क्या कर क्या रहे थे आप? अरे बेटा घर में इतना सारा काम होता है, फुर्सत ही नहीं मिली। अब तू वेट कर, मैं ना फ्रूट्स काट के लाती हूँ, फिर मैं खाना बनाऊंगी। ठीक है, अभी लाई, वेट कर। ठीक है, जो है वही लेकर आ जाओ। ये ले बेटा, खा ले। अरे अरे अरे, अभी स्कूल से आई, बिना हैंड वॉश किए खाना खाना शुरू कर दिया। अरे मम्मी, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं स्कूल से जब आती हूँ ना तो पसीने में पूरा नहा लेती हूँ, और आप हैंड वॉश की बात कर रहे हो। बात तो सही है। ठीक है ठीक है, खा ले बिना हैंड वॉश के, फिर बैक्टीरिया जाएंगे ना पेट में, बीमार पड़ेगी, फिर ना मैं मोटे मोटे इंजेक्शन लगवाऊंगी। खा ले, आराम से खा। यार ये मम्मी हमेशा ना इमोशनल ब्लैकमेल करके हैंड वॉश करवा ही देती हैं। पहले हैंड वॉश कर ही लेती हूँ। अरे आ गए बच्चों, और बताओ कैसा रहा आज का स्कूल? मम्मा वो सब बातें ना बाद में पूछना, पहले खाना दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, चल के हाथ मुंह धो, मैं अभी आके खाना बनाती हूँ, अभी खाना बना नहीं है। क्या है मम्मा, अभी तक खाना ही नहीं बनाया आपने? आप घर पे सारा दिन क्या करते हो हमें स्कूल भेज के? जरूर टीवी देखते होंगे। अरे नहीं बेटा, मैं टीवी नहीं देखती हूँ। अब देखो ना घर पे कितना सारा काम रहता है, झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना, और देखो तुम्हारे स्कूल के कपड़े भी गंदे हैं, उनको भी धोना था, तो इसलिए टाइम नहीं मिला तो नहीं बना पाई। अरे सिब्बू बेटा, ये क्या कर रही है तू? की प्याज काट रही है? अरे मम्मी वो मुझे मैगी खानी थी इसलिए। अरे बेटा तुझे मैगी खानी थी तो मुझे बताती ना, प्याज क्यों काट रही है? तुझे पता है ना प्याज काटने से तुझे आंसू आ जाते हैं, तेरी आंखें वैसे ही कमजोर हैं। रख इसे, तेरी मम्मी ना भी जिंदा है, तुझे जो भी चाहिए हुआ करे ना मुझे बोला कर, तुझे प्याज काटने की जरूरत नहीं है। चल जा, मैं बनाकर ला रही हूँ मैगी। हेलो हेलो सिब्बू बेटा। जी मम्मी। सिब्बू बेटा तू रो रही है? नहीं मम्मी, मैं वो रो नहीं रही हूँ, वो मैं प्याज काट रही थी ना, तो बस इसलिए। पर बेटा तू क्यों? अच्छा मम्मा सुनो ना, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी खाना बनाना है ना इसलिए, बाय। हेलो हेलो बहन जी,
कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? ठीक ठीक बहन जी, मुझे आपसे ना एक अर्जेंट बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। वो ना सिब्बू जो है वो जब प्याज काटती है ना तो उसकी आंखों से बहुत आंसू गिरते हैं, उसकी आंखें बहुत कमज़ोर है ना, तो अब मैं तो उसके पास हूँ नहीं, तो आप ही को उसका ध्यान रखना पड़ेगा एक माँ की तरह। क्या बहू प्याज काट रही है? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा आप फोन रखिए, मैं भी जाके देखती हूँ। जी अरे बहू तू प्याज क्यों काट रही है बेटा? जब तुझे मालूम है प्याज काटने से तेरी आंखों में दिक्कत होती है तो मत काट, मुझे बोल देती मैं काट लेती। तू ऐसे कर, जाके कमरे में आराम कर या कुछ और काम कर ले, प्याज मैं काट लेती हूँ। मम्मी जी सच में आप ना बहुत अच्छे हो, आप तो मेरा बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह ख्याल रखते हो। हाँ तो बेटा मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ। कुछ तो ताकत है उनमें जो मेरे कुछ ना कहने पर भी सब समझ जाती हैं। भले ही मैं पास नहीं हूँ उनके, पर दूर रहकर भी वो मेरा साथ निभाती हैं। तभी तो यार वो माँ कहलाती हैं।